सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू परफेक्शन आई एस और इससे पहले हम लोग पार्ट वन में वन टू फिफ्टी क्वेश्चन देख चुके हैं ये जो है पार्ट सेकेंड है जिसमें हम लोग फिफ्टी वन से लेकर के हंड्रेड क्वेश्चन तक देखेंगे सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन से इज सेवेंटी फर्स्ट एडिशन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट स्ट्रैंडजा ट्वेंटी ट्वेंटी वॉज हेल्ड इन विच कंट्री सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C that is Sofia Bulgaria the seventy first edition of international boxing tournament so आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये boxing से related है Strandeja twenty twenty was held in Sofia Bulgaria India won three medal in the tournament and ranked ninth in the medal tally so कई बार इंडिया की ranking भी इस तरह के questions में पूछी जा सकती है तो इंडिया की ranking जो है वो ninth जो है medal टैली में रहा क्वेश्चन नंबर टू विच मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इज सेट टू ओपन इंडिया अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस बाय मार्च ट्वेंटी सो अगेन इट वॉज वेरी मच इन न्यूज आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन सो के एम आर सी सेट टू कंप्लीट इट्स ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट विच रन पार्टली अंडर हुगली रिवर सो कहाँ पर वो जो अंडर वाटर बनेगा वो कहाँ पर बनेगा वो हुगली रिवर के नीचे इन वेस्ट बंगाल बाय मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी इट विल बी दी इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सो मैंने कई बार कहा है कि कोई भी क्वेश्चन में अगर फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट का जो है एक प्रिफिक्स ये ये यूज हो जाए या सफिक्स के रूप में फर्स्ट या लास्ट आ जाए तो वो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस खुद ब खुद ही बढ़ जाती है सो so आपको ध्यान रखना है कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन टू एबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट लेजिस्लेचर सो so, आपको तो पहले ये भी जानना है कि लिस्ट ऑफ स्टेट्स जिसमें लेजिसलेटिव काउंसिल है पॉलिटी वाला जो सेक्शन है हमारे एग्जाम्स में उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेकिन करेंटली न्यूज था कौन सा स्टेट जो अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको हटाने की बात कर रहा है सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश सो द आंध्र प्रदेश कैबिनेट चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर Y S Jagan Mohan Reddy. I hope everyone knows who is the Chief Minister of Andhra Pradesh. Has adopted a resolution to abolish its Legislative Council, which is a major hurdle for crucial bill. So, uh, then question number fifty-four. Which one of the following words has been named as Oxford Hindi Word of the Year, twenty nineteen? आई होप सभी को ये क्वेश्चन सभी का आंसर जो है पता होगा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर इज इज ऑप्शन बी दैट संविधान सो द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हैज नेम संविधान मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर ट्वेंटी एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया इंडियन पर सो आपको ये वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है कि संविधान जो है 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर है ऑक्सफोर्ड का देन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव इंडियन रेलवे हैज कमीशन इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंटल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन विच सिटी एज आई हैव सेड जो सिटी वाला क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन तीन चार क्वेश्चन तो हर पेपर में रहते हैं तो आपको ध्यान रखना है आंसर फॉर फिफ्टी फाइव इज डी दैट इज भुवनेश्वर इंडिया इंडियन रेलवे हैज कमीशन इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंटल वेस्ट एनर्जी प्लांट इन मनेश्वर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप एट भुवनेश्वर अंडर ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन सो भुवनेश्वर कम्स अंडर ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड ऑल्सो इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है दिस वेस्ट एनर्जी प्लांट यूज इज अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी कॉल्ड पॉलीक्रैक विच इज फर्ल्ड फर्स्ट पेटेंटेड हेट्रोजिनस कैटेलिटिक प्रोसेस टू कन्वर्ट मल्टीपल फीडस्टॉक इन डू हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल तो मल्टीपल जो फीडस्टॉक्स है मल्टीपल जो वेस्ट uh, होंगे उनको पॉलीक्रैक मेथड से जो है उसको प्रोसेस किया जाएगा सो so, इसका भी आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्स्ड अ वर्चुअल पुलिस स्टेशन वेयर पीपल कैन लॉज कंप्लेन फ्राम देअर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट विदाउट विजिटिंग पुलिस स्टेशन सो डिजिटल इंडिया की बात आती है हर जगह तो ये डिजिटल इंडिया की तरफ जो है एक और कदम है कौन सा जो स्टेट uh, गवर्नमेंट है उन्होंने जो है जो कॉम्प्लेन फाइलिंग है उसको डिजिटलाइज करा है सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर बी डेट इज़ ओडिशा द ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्ट अ वर्चुअल पुलिस स्टेशन वेयर पुलिस कैन लॉज लॉन्च कंप्लेन from their respective district without visiting police station the e-police station will function from state crime record bureau in Bhubaneswar. these initiatives are effectively reducing the necessity of citizen to visit पुलिस स्टेशन सो पुलिस स्टेशन विजिट करते थे कई बार कंप्लेन होता था नहीं होता था तो कई बार पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनमें इन सब का वर्णन करके काफ़ी आप अच्छे पॉइंट्स ला सकते हो जहाँ पे आपके अपने पॉइंट की वैलिडिटी इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं दूसरे स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली बिहार भी जो है इनको देख सकता है इनको जो है अपने में जो है वो अपना सकता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन शेख खालिद बिन खलीफा बिन ज़ई अल थानी काफ़ी लंबा नाम है हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आंसर फॉर दिस इज बी कतर सो कतर इमिर हैज़ बिन अपॉइंटेड शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुलजी अल thani as new prime minister he will replace sheik abdullah bin nasir so you have to keep this particular fact in mind question number 58 as per the world social report 2020 india successfully managed to use digital platform to reduce disparities among population groups. विच ऑफ़ दी फॉलोइंग पब्लिश दी रिपोर्ट मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में कहा है कि जब भी कोई रिपोर्ट आता है तो उसमें दो चीज़ें जो है आपको हमेशा ध्यान में रखनी है पहला कि वो रिपोर्ट जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है और दूसरा कि उस रिपोर्ट में या उस पर्टिकुलर इंडाइसिस में इंडिया की रैंकिंग क्या है इंडिया के बारे में क्या कहा गया है सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए that is UN Department of Economic and Social Affairs. So the World Social Report 2020 published by UN Department of Economic and Social World Affairs notes how India harnessed the potential of digital technology for more inclusive development. In the report the UN has exper uh, experience of India suggests that mobile digital technology need to be complemented by other technology to reduce इनिकवालिटी इन एस टू फाइनेंशियल सर्विसेज तो इस रिपोर्ट में जो है जिस्ट वो ये कहा गया है कि इंडिया का अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है इसके साथ साथ जो अदर टेक्नोलॉजी है उनमें भी जो है लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है तभी जो है जो टेक्सावी लोग हैं जो कि टेक्नोलॉजी के आसानी से उपयोग कर सकते हैं वो कर सके तो आपको इसके बारे में याद रखना है कि दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट

ये पता होना चाहिए जिन्हें जिन्हें भी पता है वो अभी तुरंत जो है इसे कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर लिखें बिना किसी सोर्स को रेफर किए हुए सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन इज बी दैट इज madagascar so indian navy launched operation vanilla in south indian ocean the operation was launched based on request received from madagascar so you have to keep this in mind next is question number 60 who among the following has been appointed as life president of asian tennis federation so life president of asian tennis federation can he appoint किया, किया answer for this is option b that is anil khanna so senior sports administrator anil khanna was unanimously appointed as life president of asian tennis federation during the meeting of its board of director in melbourne australia question number 61 हु वॉन्ट द ट्वेंटी ट्वेंटी ऑस्ट्रेलियन ओपन मैंस सिंगल टाइटल इस तरह के बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है आंसर फॉर दिस इज सी दैट इज नोवाक जोकोविच सो इन्होंने जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू द एनअल काला गोडा आर्ट फेस्टिवल दैट इज़ के जी ए एफ ट्वेंटी ट्वेंटी वॉज सेलिब्रेटेड इन सो कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ था

इस पर्टिकुलर फेस्टिवल का थीम इस बार था पास्ट फॉरवर्ड सो आपको याद रखना द थीम ऑफ दिस गोडा आर्ट फेस्टिवल वॉज पास्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री रिवोल्यूशनरी पोएट रबी सिंह पासिस ही वॉज फेमस फॉर राइटिंग इन विच लैंग्वेज सो द पोएट रबी सिंह इज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज आंसर फॉर दिस इज सी उडिया सो ही वॉज एन उडिया पोएट क्वेश्चन नंबर फोर हु हैज बीन अवारेड फॉर मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर हिज ट्रांसलेटेड बुक ब्लू इज लाइक ब्लू बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं सो so, इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर का आंसर इज ई नन ऑफ दी एवर मतलब जो भी आपके दिए हुए हैं उनमें से कोई नहीं तो कौन है नोटेड हिंदी पोएट नॉवलिस्ट विनोद कुमार शुक्ला सो इनका नाम आप नोट कर ले विनोद कुमार शुक्ला हैज बीन अवार्डेड द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड फॉर हिज ट्रांसलेटेड बुक ब्लू इज लाइक ब्लू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व एनुअली सो वर्ल्ड वेटलैंड डे एनुअली कब ऑब्जर्व होता है Answer for this particular question is C February 2. So every year the World Wetland Day is celebrated globally on February 2. Or yeah celebrate Horaya, it is celebrated since 1997. And why it is celebrated to raise awareness about the value of wetland for humanity. एंड दी प्लान वेटलैंड को लंग्स ऑफ दी अर्थ भी कहा जाता है सो so, जोग्राफी में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि वेटलैंड को लंग्स ऑफ दी अर्थ क्यों कहा जाता है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स विच ऑफ दंग इंडियन सिटी होस्टेड इंडियन इंटरनेशनल लेदर फेयर ट्वेंटी ट्वेंटी इंडियन इंटरनेशनल लेदर फेयर कहाँ पर हुआ था आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी दैट इज चेन्नई so the 35th edition of indian leather festival 2020 was held at chennai trade center in chennai question number 67 who has become once again a member of commonwealth of nation in february 2020 again a very simple question which was very much covered in news answer for this particular question is a maldives so maldives once again became member of commonwealth of nation सो so, फिर से इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ ऑफ अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मालदीव ने कब विड्रू करा था अपने कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप को सो so, ये भी नोट कर ले मालदीव विदड्रू फ्रॉम कॉमनवेल्थ ऑन थर्टीन अक्टूबर 2016 सो so, 2016 13 अक्टूबर 2016 को मालदीव ने विड्रू करा था जिसको उन्होंने फिर से जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में वो शामिल हो गए हैं क्वेश्चन नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट ब्रेन सिग्नल्स ऑफ स्पीच इम्पेयर्ड ह्यूमन इंटू सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज इंग्लिश अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड जिसके ऊपर काम होना बहुत ही दिनों से बाकी था इसमें क्या है कि जो ब्रेन के सिग्नल्स हैं उनको जो है ह्यूमन स्पीच में कन्वर्ट करने की बात हो रही है तो कौन से जो इंस्टीट्यूशन uh, है उनका इसमें योगदान है आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज आईआईटी मद्रास सो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास रिसर्च टीम लेड बाय विशाल विशाल नंदीगना एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन फ्लूइड सिस्टम लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मैकेल इंजीनियरिंग हैज़ डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट ब्रेन सिग्नल ऑफ स्पीच इम्पेयर्ड ह्यूमन इन टू सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज इंग्लिश क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन विच फिल्म वॉर्न देश फिल्म अवार्ड एट सेवेंटी थर्ड ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट बाफ्टा सो अगेन इस तरह के क्वेश्चन जो हैं Uh, मैंने कहा है कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1917 नाइनटीन uh, ये 1917 डेट नहीं है इट्स अ नेम ऑफ़ अ मूवी सो द थर्ड ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट अवार्ड सेरेमनी पॉपुलरली रेफर टू एज अवार्डेड अवार्ड फॉर ट्वेंटी वॉज हेल्ड इन रॉयल एल्बर्ट हॉल लंडन कहाँ हुआ था रॉयल एल्बर्ट हॉल लंडन में हुआ था और जो 2019 का अवार्ड है इट वाज गिवन टू अ मूवी कॉल्ड 1917। सो इट्स अ वॉर बेस्ड मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है वन सुड मस्ट सी दिस क्वेश्चन नंबर सेवेंटी विच कंट्री हैज एंडेड द एंट्री फी टू इंडियन टूरिस्ट एंड डिसाइडेड टू लेवी अ डेली रुपी 1200 that is dollar 17 fee for regional tourist from india the maldives and bangladesh beginning july 2020 so again this was in news answer for question number 70 is b that is bhutan question number 71 which country uh, with which country india has signed first ever term contract to improve क्रूड ऑयल सो पहला कॉन्ट्रैक्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्रूड ऑयल का किस कंट्री से इंडिया ने साइन करा है आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन इज डी रशिया नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एच एल फॉर द फर्स्ट टाइम इज गोइंग टू साइन अ पैक्ट विद कंट्री टू मैन्युफैक्चर एडवांस अनमैंड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल इन इंडिया किसके साथ जो है एच ने जो है संधि करी है और वो जो है एक अनमैंड एरियल व्हीकल बनाने वाले हैं आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी इज़राइल सो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस बाय द वे अगर एग्जाम्स में नहीं भी पता है तो यू कैन मेक अ स्मार्ट गेस बिकॉज इसराइल जो है उससे का काफ़ी सारे डिफेंस सेक्टर में अभी रिसेंटली जो है पैक्ट हो रहे हैं तो आप गेस कर सकते हो कि इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो पैक्ट हैं तो कही वो कहीं ना कहीं इसराइल या यूएस दोनों में से किसी एक कंट्री से ही हम कर रहे हैं चूंकि ऑप्शन में यूएस नहीं है तो इसराइल को मार करना काफी आसान हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री विथ स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज बीन अवार्डेड विथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स रोड सेफ्टी अवॉर्ड ट्वेंटी फॉर लोएस्ट रेट ऑफ एक्सीडेंट कैटेगरी ऑफ हिल स्टेट सो भाई वो हिल स्टेट है पहला हिंट आपको है और उसमें जो एक्सीडेंट है रोड कैटेगरी में एक्सीडेंट काफी कम हुए हैं सो so, ऐसा कौन सा है आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नागालैंड, सो द नागालैंड स्टेट कॉर ट्रांसपोर्ट वॉज गिवन द रोड सेफ्टी अवार्ड ट्वेंटी फॉर द लोएस्ट रेट ऑफ एक्सीडेंट इन कैटेगरी ऑफ हिल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर विच ऑफ द अवार्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना इन स्टेट सो किन को जो है अवॉर्ड मिला है, e, तो है उसमें से कोई नहीं तो किन्हें मिला है सो मध्य प्रदेश हैज बैड फर्स्ट पोजिशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना सो so, मध्य प्रदेश को मिला है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव विच मैगजीन नेम्ड आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास हैज सेंट्रल बैंकर ऑफ दर ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर एशिया पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सो किसने जो है इस पर्टिकुलर अवार्ड दिया है कौन से मैगजीन ने दिया आंसर फॉर क्वेश्चन सेवेंटी फाइव इज ऑप्शन सी दी बैंक So, so, जिसमें इकोनॉमी और बैंक से रिलेटेड जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल्स और न्यूज दिए रहते हैं उन्होंने जो है शक्तिकांता दास को सेंट्रल बैंकर ऑफ द इयर ट्वेंटी ट्वेंटी माना है सेवेंटी सिक्स फॉलोइंग बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज बिन कॉन्फर्ड विद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नेशनल किशोर कुमार सम्मान सो किन्हें जो है नेशनल किशोर कुमार सम्मान मिला है आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स इज सी वहीदा रहमान नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर लूकस एज नेशनल इमरजेंसी आफ्टर वर्स्ट लोकस्ट इन्वेशन सो अभी ये लोकस्ट काफी ज़्यादा न्यूज में है और जो सेंट्रल यूपी है वहाँ तक जो है इसका प्रकोप देखा जा रहा है सो so, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है नेशनल इमरजेंसी किस कंट्री ने लोकस्ट अटैक के कारण जो है घोषित किया था आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन इज ऑप्शन ई नन ऑफ दी अवेलेबल ऑप्शन जो भी अभी ऑप्शन में दिए हैं नाइजीरिया माली साउथ अफ्रीका और बुलगेरियन में से कोई नहीं तो कौन सोमालिया आपको याद रखना होगा सोमालिया इज द फर्स्ट कंट्री ऑफ एफ्रीका विच इज डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू लोकस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एट इन विच कंट्री गैस फील्ड ऑफ एट्टी ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस इज डिस्कवर्ड कौन से कंट्री में डिस्कवर्ड हुआ है आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 78 इज ऑप्शन सी दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रीएडमिटेड टू कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशन एंड बिकेम द 54th मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ फैमिली अगेन आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 79 इज बी मालदीव्स

the port is to be developed in landlord model next question question number 81 so which country has recently designated india as developed nation on accounts of its being member of g20 group so answer for question number 81 is a that is usa so united states trade रिप्रजेंटेटिव दैट इज़ यू एस टी आर ऑफिस हैज़ क्लासीफाइड इंडिया एज डेवलप्ड एकोनमी इन एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स गिवन बाई वॉशिंगटन डी सी टू डेवलपिंग कंट्री सो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो वो बेनिफिट करते थे उन्होंने बोला कि भाई इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है और जो हम डेवलपिंग कंट्री के लिए जो हम स्पेशल जो है बेनिफिट्स हम प्रोवाइड करते थे वो अब इंडिया पाने का पाने के लिए इन एलिजिबल है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी टू इन विच सिटी अ वर्कशॉप ऑन वन धन एंड एंटरप्रोनोरशिप डेवलपमेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज बाय ट्राईफेड कौन से सिटी में ये पार्टिकुलर जो है वन धन एंड एंटरप्रोनोरशिप डेवलपमेंट हुआ है आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एटी टू इज डी दैट इज न्यू डेली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी थ्री इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड विच टू स्पेशीज इन ग्लोबल कंजर्वेशन लिस्ट सो कौन से दो स्पेशीज को इंडिया ने डिसाइड किया है कि ग्लोबल कंजर्वेशन लिस्ट में डालेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री इज ए एलिफेंट एंड ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ड सो इंडिया हैज़ डिस टू इंक्लूड एशियन एलिफेंट एंड ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ड इन द लिस्ट ऑफ स्पेशीज दैट मेरिट Highlight uh, heightened conservation measures. Question number 84 Which state had made it mandatory for singing the national anthem in all school and colleges from February 19, 2020? Konse state ne isko mandatory kar hai? Answer for this particular question is B, that is Maharashtra. Next. क्वेश्चन नंबर एटी फाइव दर्टीनथ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर एटी फाइव इज ऑप्शन सी इंडिया और इसीलिए ये जो कन्वेंशन uh, है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इंडिया इसको होस्ट कर रहा है सो द दर्टीनथ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी

आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी दैट इज गोपीचंद सो दी गोपीचंद हैव रिसीव्ड दिस अवॉर्ड सो नैशनल बैडमिंटन कोच एवरी वन नो पुलिया गोपीचंद को सभी लोग जानते हैं रिसीव द प्रस्टिजियस ट्वेंटी नाइनटीन इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी कोच इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन मेल कैटेगरी next question question number 87 which country won the icc women championship trophy 2020 a very important question so it has been won by australia so answer is b australia won icc women championship trophy which they have retained by taking a winning lead in the eight team odi competition next question number 88

on and this particular conference was on the uh, on the impact of climate change on hydrological cycle, ecosystem, fisheries and food security. so सो ये आपको ध्यान में रखना है एंड अगेन ये जो, जो जोग्राफी वाले सेक्शन में आप लोगों ने हाइड्रोलिकल साइकिल किसको कहते हैं इको क्या है और फूड सिक्योरिटी इन सारे टॉपिक्स को जरूर पढ़ा होगा आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर Who has been named 2019 FIH woman rising star of the year? So uh, answer for question number 89 is option A that is uh, Lal Rishmi. So Indian for uh, India forwarded Lars Rishmi has named as India's 2019 FIH woman rising star of the so Answer is Lal Ramsemi. Question number ninety. What is the new name given to the novel coronavirus by World Health Organization WHO? Again, Bohazada news me hai. Answer for this is A. Everyone knows this COVID 19. Question number 91. Renowned American Roga Khan passes away. He was famous for. So Roger Khan जो है उनका देहांत हो गया एंड ही वॉज फेमस फॉर वॉर सो ही वॉज फेमस फॉर राइटिंग सो ही वॉज एन अमेरिकन ऑथर हुए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू विच ऑफ दीट्यूशन हैज अप्रूव्ड दंडिंग ऑफ यूएस डॉलर टू मिलियन टू कॉम्बैट दफ नोवल कोरोना वायरस दो मिलियन का किन्होंने जो है योगदान करा है नोवल कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी एशियन डेवलपमेंट बैंक सो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज एडीबीज्रूव फंडिंग ऑफ यू एस डॉलर टू मिलियन टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री हुज वॉन दैनस नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप सो मीन्स नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी आदित्य मेहरा सो आदित्य मेहरा हैज़ वॉन नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप हेल्ड इन पुणे महाराष्ट्र नाइंटी फोर हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द नाइंटी सेकेंड एनअल अकैडमी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए दट इज जॉकिंग फॉनिक्स सो एंड ही वॉन दिस पर्टिकुलर अवार्ड फॉर अ वेरी पॉपुलर मूवी नेम्ड जोकर मेगा इंडस्ट्रियल एग्जिबिशन एग्जिंग पो ट्वेंटी ट्वेंटी विल बी हेल्ड इन विच सिटी सो एग्जिंग पो ट्वेंटी ट्वेंटी कौन से सिटी में होने वाला है आंसर फॉर Question number 95 is option B, that is vadodara So Varudra where is it? it is in Gujarat. Question number 96. Which team won the khelo India Ice Hockey Tournament 2020? So, answer for this particular question is B: Ladakh Scout Regimental Center. So, Ladakh Scout Regimental Center. One first men's section. Halo India Ice Hockey Tournament 2020. Next is uh, the African Union Summit 2020 was held in which city? Question number 97. African Union Summit was held in which city? Answer for this particular question is C. That is Addis Ababa, Ethiopia. Question number 98. Who become the youngest girl in the world to summit Mount Akankagoa the highest peak of South America? So, South America's highest peak kya hai? Ye bhi aapko is question se pata chala. Mount Goa. So, who is the youngest girl to measure this particular mountain? So, answer for 98 is option D that is Kamya Kartikeyan. Question number 99 which country has won ICC under 19 Cricket World Cup 2020? ICC under 19 Cricket World Cup 2020 desh ne jeeta hai. Answer for this particular question is option C. That is Bangladesh. Bangladesh won the ICC under 19 Cricket World Cup, which was held in Kahapehuata, it was held in South Africa. Question number 100 which team has won the 10th hockey senior women national championship answer for question number 100 is a that is hockey haryana so hockey haryana won this championship so this was the 10th hockey indian senior women national championship which was held at kollam so